कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होना है, यानी ठीक एक हफ्ते बाद 13 मई को नतीजे आएंगे। राज्य के चुनाव प्रचार में अलग अलग दल अभी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और महंगाई जैसे मुद्दे उछाल रहे थे कि चुनाव से ठीक पहले एक नया मुद्दा चुनाव में आकर के खड़ा हो गया। दरअसल कर्नाटक कांग्रेस ने मंगलवार को जो अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI से कर दी और ये कहा कि सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर PFI की तरह पाबंदी लगा दी जाएगी, यानी कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। और इसके बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस और BJP में जुबानी जंग शुरू हो गई। BJP की ओर से खुद चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठा दिया। मंगलवार को होसपेट में प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा तो गुरुवार को मुदबिदरी की अपनी सभा में यह मुद्दा उठाया और इसे बजरंग बली से जोड़ दिया। उन्होंने कहा अपनी रैली की शुरुआत जो उन्होंने की वो बजरंग बली की जय के नारे के साथ। बजरंग बली की। अब सवाल ये उठ रहा है कि ठीक चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर पाबंदी का मुद्दा उठाकर कहीं कांग्रेस ने BJP को अपने खिलाफ एक हैंडल तो नहीं दे दिया, एक मुद्दा तो नहीं दे दिया है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ गोल, तो गोल तो नहीं कर लिया, क्योंकि BJP ने भुनाना शुरू कर दिया, आपने सुनी लिया। इस मामले में बजरंग दल कार्यकर्ता भी राज्य में कई जगह विरोध पर उतर आए। उधर कांग्रेस की सफाई है कि उसने अपने मैनिफेस्टो में उन सभी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है जो सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो PFI हो चाहे बजरंग दल। लेकिन BJP को बजरंग दल की तुलना PFI से करने पर सख्त एतराज हो रहा है। मामला तूल पकड़ते देख कांग्रेस ने कहा कि बजरंग दल और बजरंग बली में बहुत फर्क है और BJP इसे लेकर लोगों को गुमराह ना करे। आओ ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತವರು ನಾವು ಶಾಂತಿ ತೋಟ ಕದಲಬಾರದು, ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಬಜರಂಗ್ ದಳಗೂ ಹನುಮಂತಂಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹನುಮಂತನೇ ಬೇರೆ, ಬಜರಂಗ್ ದಳನೇ ಬೇರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಫಿಟ್. ಏನು ಆಂಜನೇಯನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಬಜರಂಗ್ ದಳ ರಾಜ್ಯ ಅವರು. ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇ ಯೇ ಬಾತ್ ಬೋಲಿ ಹೇ ಕಿ ಆಪ್ ಬಜರಂಗ್ ದಳ ಕೋ ಬಜರಂಗ್ ಬಲಿ ಸೇ ಮತ್ ಜೋಡ್ಕರ್ ದೇ ದೇಖಿಯೇ. कांग्रेस का यह कहना है, और ये हमने बहुत सारे पुलिस की FIR में भी देखा है, कि बजरंग दल के लोगों का तार सीधे सीधे जुड़ा हुआ है. आप मोनू मानेसर वाला मामला देखिए जिसमें दो लोगों को गाड़ी में जला दिया था, आरोप बजरंग दल पे था. ऐसे ही न जाने कितने मामले. तो आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब बजरंग दल को बजरंग बली से, भगवान से जोड़ रही है, तो क्या वो इस तरीके के लोगों को भगवान बना रही है? क्या उनकी तुलना भगवान से कर रही है? ऐसा क्यों? लेकिन ये मामला कर्नाटक में अब तूल पकड़ गया है. BJP को लगता है कि तटीय कर्नाटक की 19 सीटों में, साथ साथ मध्य कर्नाटक और बेंगलुरु की एक दर्जन सीटों पर इस मुद्दे पर मजबूती से लड़ा जा सकता है और इससे फायदा भी मिल सकता है. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दे फिलहाल पीछे छूटते नजर आ रहे हैं. सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो गई है. लेकिन क्या उत्तर भारत की तरह दक्षिण के इस राज्य कर्नाटका के लोग भी धार्मिक मुद्दों पर उसी तरह उन्मादित होंगे? ये एक बड़ा सवाल है. अब जब खुद प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषणों में यह मुद्दा उठा दिया तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ गया है. आज कर्नाटक के बेंगलुरु के हरली इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. उधर कर्नाटक के पड़ोसी राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी कांग्रेस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन हुआ. इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने बजरंग दल के कुछ सदस्यों को हिरासत में भी लिया. उधर ये मामला दूसरे राज्यों में भी तूल पकड़ रहा है. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री
नरोत्तम मिश्रा ने राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ से पूछा कि वो खुद को बजरंग बली का बड़ा भक्त बताते हैं, तो क्या वो मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर पाबंदी का समर्थन करेंगे? दोनों का ये सवाल और जवाब आप जरूर सुनिए। ये हमारे मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हो रही है, हम तो कहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई, कि नफरत पूरा प्रदेश कह रहा है, जो नफरत फैलाए, जो विवाद करवाए, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज हमारी सामाजिक एकता की बात है। मैंने कई उनके ट्वीट देखे, वो बहुत बड़े हनुमान भक्त अपने आप को बताते। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। कभी इनके मंत्री बोको हराम से कर देते हैं। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं है? कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें अपनी स्थिति को आप स्पष्ट करो। उधर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर पाबंदी पर विचार किया जाए। कांग्रेस की मति मारी गई है, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। ये वही कांग्रेस जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करती थी, ये वही कांग्रेस जिनने राम सेतु को काल्पनिक कहा था, ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने वाले, आतंकवादियों को महिमामंडित करने वाले अब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी बड़े हनुमान जी के भक्त बनते हैं। प्रतिबंध बजरंग दल पर लगाने की बात कांग्रेस कर, बजरंग दल को बैन लगाने की बात क्यों? गुंडागर्दी कर रहे हो, यहां भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे, वहाँ क्या हो रहा है उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा, यहाँ के परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दिए हम लोग, है ना? जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से अब वहां लागू हो गया तो यहां करेंगे क्या, वहां ऐसा हुआ तो यहां करेंगे क्या। ये मुद्दा जब कर्नाटक की सीमा के बाहर इतना गर्म हो चुका है तो कर्नाटक के चुनाव में क्या ये कोई बड़ा गुल खिला सकता है, वो भी ठीक ऐसे वक्त जब कांग्रेस भ्रष्टाचार, महंगाई, इन जैसे मुद्दों पर कर्नाटक की बोम्मई सरकार को काफी हद तक घेरने में कामयाब दिख रही है। कुछ सर्वे भी इसी तरीके की बात बताते, कहीं कांग्रेस ने बीजेपी को ऐन मौके पर ऐसा मुद्दा तो नहीं दे दिया जो उल्टा उस पर ही भारी पड़ सकता है। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली बजरंग बली का नाम लेकर शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है बजरंग बली का। भगवान को तो याद करना ही चाहिए और मोदी जी को तो खास तौर पर करना चाहिए, भगवान को याद बार बार करते रहना चाहिए। अपमान बजरंग बली का उन्होंने किया जिन्होंने बजरंग दल की तुलना हमारे इष्ट देव से की। मेरे इष्ट देव हैं, इसलिए मुझे तो बड़ा अपमानित महसूस हो रहा है। और इस पूरे विश्व में करोड़ों भक्त हैं बजरंग बली के, वो सब अपमानित महसूस कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री संवेदनशील व्यक्ति हैं, संजीदा व्यक्ति हैं, अगले 24 घंटे में वो इस विश्व के करोड़ों हनुमान भक्तों से माफी मांगेंगे। और आइए सुनते हैं कि अलका लांबा जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनका इस पर क्या कहना है।
देखिए जब देश के प्रधानमंत्री जी बजरंग दल के बचाव में उतरते हैं तो आप ये बात मान लीजिएगा कि बजरंग दल के सीधा तार भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और जब भाजपा के ही नेता और देश के गृह मंत्री बीच कर्नाटक चुनाव में आकर ये कहें कि अगर कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बन गई तो दंगे होंगे, तो स्वाभाविक है सोचा जाता है कि कौन सी संस्थाएं कर्नाटक में इन दंगों को, जो भाजपा का एजेंडा है उसे जो है यहाँ पर करने में मदद कर सकती हैं, कर्नाटका को दंगों में जो है छोक सकती हैं, तो स्वाभाविक है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का भी हमें बिल्कुल ख्याल आता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को मानता है कि चुनावों के लिए हेट स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है, जाति और धर्मों को लड़ाने की जो है प्रयास होते हैं और उसपे कार्रवाइयां सरकार नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है वरना कोर्ट की अवमानना होगी। हमारी सरकार ने कहा है कि हम अगर आते ही, जो हमारी सरकार आएगी, तो पीएफआई हो, बजरंग दल हो या कोई भी ऐसी तीसरी चौथी संस्था हो, कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए उन पर बिल्कुल कार्रवाइयां की जाएंगी। और अगर कार्रवाई को बैन की उसमें ले जाना पड़े स्तर तक तो हम बैन भी लगाएंगे, क्योंकि हम कर्नाटका के जो भाईचारा है, प्यार है, उसको हम कतई भी बटने नहीं देंगे और भाजपा के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए जब देश के गृह मंत्री ने, ये अमित शाह जी ने ये बात कही थी, हम पुलिस में जाकर शिकायत करके आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक हफ्ता हो गया है, हम चुनाव आयोग के पास गए, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अमित शाह जी ने अगर ऐसा कह दिया देश के गृह मंत्री ने, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और अमित शाह जी का जो इशारा है वो साफ है कि यही राजनीतिक दल है जो उन्माद की स्थिति पैदा कर सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनते ही, तो हम इस पे कार्रवाई करते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन एक सवाल यहां पर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह प्रयास कि बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ करके देखना, क्या यह राजनीति में उनको फायदा कर्नाटक और कर्नाटक से आगे मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देगा? और एक सेकंड के लिए आप राजनीति अगर अलग भी हटा दें तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये स्थिति स्पष्ट करेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बजरंग दल में बजरंग बली के बारे में बात करते करते आप कहीं ना कहीं बजरंग दल के उन लोगों जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं और बहुत ही संगीन आपराधिक मामले चल रहे हैं, आप उनका भी कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए दिख रहे हैं? राजनीति बजरंग दल बनाम बजरंग बली अब चलनी शुरू हो गई, नतीजा आगे देखें।